तो हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग? तो एक बार फिर से मैं आ चुका हूँ सुपर सस के रैंकिंग मैच के एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, जिसमें मैं हमेशा की तरह मचाने वाला हूँ तबाही। तो चलिए देखते हैं आज हमें सुपर सस गेम से कौन सा रोल मिलने वाला है और आप सभी को कौन सा रोल का गेम प्ले दिखने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इम्प्रेस, क्योंकि आप लोगों की काफी टाइम से काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी कि मुझे एक बार इम्प्रेस का रोल ट्राई करना चाहिए। तो फिर क्या मेरे भाई, आप लोगों ने बोला, मैंने ले लिया। तो यहाँ पर मैं बन चुका हूँ इम्प्रेस, गेम हो चुकी है स्टार्ट। मेरा जो पार्टनर है वो है डिमेंटर, मतलब मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा सा ध्यान से खेलना पड़ेगा ताकि मैं बाद में अपने पार्टनर को बचा सकूं अगर वो खेल हो गया हो। तो फिलहाल यहाँ पर मैं दे देता हूँ लाइटे का सबूत और मैं लाइटे का ऐप कर देता हूँ और मैं इलेक्ट्रिकल पे जाता हूँ और वेट करता हूँ कि बंदे आए तो मैं उन्हें फटाफट किल कर सकूं। ओके, यहाँ पर ढेर सारे बंदे साथ में आ रहे हो तो मैं अभी इन्हें किल नहीं कर सकता, मुझे थोड़ा सा यहाँ पर संभालना पड़ेगा। ओके, ये रेड का बच्चा खेले खड़ा था, मैं फटाफट यहाँ पर रेड को किल कर देता हूँ और चुपचाप यहाँ से कल्टी मार लेता हूँ। ये ऑरेंज का बच्चा ऊपर करने के गया, लेकिन चलो कोई नहीं, इसमें उनका घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो यहाँ पर व्हाइट आता है, वो जाता है इलेक्ट्रिकल के अंदर, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ लोअर इंजन पे और मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ कि फटाफट मेरा किल एक्टिव हो तो मैं एक और किल कर सकूँ। यहाँ पर मेरे पार्टनर ने साथ एक किल कर दिया है और मैं यहाँ पर देखता हूँ कि भाई कोई बंदा लाइटर ठीक कर नहीं रहा। मैं यहाँ पर रोल चेक करता हूँ पर गेम में तो डॉक्टर है ही नहीं, नोबड़े के बच्चे लाइटर ठीक कर क्यों नहीं रहे? और उससे भी जरूरी बात, ये लोग बॉडी क्यों रिपोर्ट नहीं कर रहे? चलो कोई बात नहीं, इन्हें सबक तो सिखाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ अपने इम्प्रेस के स्किल, मैं यहाँ पर अपने बंदे को अपने पास बुलाता हूँ और मैं उसे किल कर देता हूँ। लेकिन ये रेड की बॉडी रिपोर्ट हो, चलो फाइनली किसी ने बॉडी तो रिपोर्ट करी। ओके, इतने सारे बंदे के लोग, क्या कमाल की बात है। चलो फिर देखो यहाँ पर मीटिंग में क्या होता है। भाई मेरे सामने ब्रांग तो ब्रांग ब्रांग को मूव करो। अच्छा भाई ब्रांग में इनके साथ कुछ नहीं करेंगे, भाई ब्रांग में इनके साथ कुछ नहीं करेंगे, ब्रांग में इनके साथ कुछ नहीं करेंगे। मस्त प्लान है। कितने किलो हो गया? जलवा है हमारा। तो देखा यहाँ पर बेचारा व्हाइट हमारा कंफ्यूज हो चुका है। बेचारे को लग रहा होता है कि भाई गेम में बाउंटी हंटर इसलिए इतने किलो का, पर जब वो चेक करता था उसे पता चलता है कि भाई गेम में सिर्फ इम्प्रेस और डिमेंटर है, तो इम्प्रेस ने इतने किल कर कैसे लिए? वैसे मैं यहाँ पर एक बार समझ चुका हूँ कि यहाँ पर देखो दो बंदों को मैंने किल करा, एक बंदे को यहाँ पर मेरे पार्टनर ने किल करा और जो एक बंदा है उसको शायद से ग्लूटोनी ने खा लिया होगा, यहाँ पर ऐसा कुछ कैलकुलेशन बैठ रहा है। तो फिलहाल देखो यहाँ पर बाकी बंदे क्या बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर ब्लू थोड़ी सी काम की बात करता है। ब्लू यहाँ पर बोलता है कि गेम में डॉक्टर नहीं है, तो भाई बॉडी रिपोर्ट कर दो क्योंकि तुम्हें बचाने के लिए कोई और नहीं आने वाला है। लेकिन चैट में यहाँ पर पता नहीं क्यों ब्लू और पर्पल दोनों के दोनों बंदों को ग्राउंड पर डाउट होता। तो देखो यहाँ पर बाकी बंदे क्या बोलते हैं। अबे कसम से भाई से मेरा नाम क्यों ले रहे हो यार, मैं तो छुपा हुआ था भाई। दिल से बुरा लगता है यार, कसम से मेरा नाम क्यों ले रहे भाई पर्पल? देखो मेरे से क्या दुश्मन हो गया था। मैंने कुछ नहीं किया, मैं अच्छा शरीफ आदमी हूँ, टेरिस पे घूम रहा था, अपने बर्तन सुखा रहा, सॉरी कपड़े सुखा रहा था। मैं तुम्हारा वाइट के तुम किसी को भी रैंडम कैसे दे देता हूँ, जब इतना ही वोट करना है ना किसी को भी रैंडम कैसे दे देता हूँ। क्यों, किस लिए, कैसे, ऐसा नहीं हो सकता। अभी ये ब्राउन का बच्चा तो व्हाइट चेक निकला, अगर उसने मुझे गैस ले लिया तो भाई मेरी पूरी वाट लग जाएगी। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ फटाफट ब्राउन को वोट। लेकिन ये क्या भाई, ब्राउन ने यहाँ पर गलत गैस ले लिया और यहाँ पर ब्राउन खुद किल हो गया, क्या कमाल की बात है। मतलब यार इस गेम में मैंने अपना माइक ऑन नहीं करा, ये मैंने बहुत सही काम करा, क्योंकि अगर मैं अपना माइक ऑन करता तो ये बंदे मुझे पहचान लेते, फिर तो भाई पक्का ब्राउन मुझे इम्प्रेस गैस ले ही लेता। लेकिन मैंने माइक ऑन नहीं करा जिस वजह से शायद मैं यहाँ पर बच पाया हूँ। तो फिलहाल सिंपल सी बात है, यहाँ पर मीटिंग होने वाली है एस्केप, क्योंकि सारे बंदों ने यहाँ पर ब्राउन को वोट कराया ना और ब्राउन तो किल हो गया। और ब्राउन के किल होने के बाद यहाँ पर सभी बंदों का शक आने वाला है पर्पल पे, क्योंकि पर्पल ने ब्राउन को निकालने की बात करी थी, पर ब्राउन तो हमारा सेफ बंदा था ना। लेकिन यहाँ पर सबसे मस्त बात ये है कि भाई मैं यहाँ पर अगर एक किल कर दूंगा तो भाई गेम खत्म हो जाएगी। लेकिन ये क्या भाई, फैंटम है सभी अड़ा, बे यार ये फैंटम का बच्चा बस ये टास्क न कर ले। तो यहाँ पर मैं फटाफट कैफे का गेट बंद कर देता हूँ और फिर मैं देने वाला हूँ रिएक्टर का सबूत, क्योंकि यहाँ पर मैं एक किल करूंगा और गेम खत्म हो जाएगी तो शायद से फैंटम टास्क भी नहीं कर पाएगा यार। तो यहाँ पर मैंने रिएक्टर का सबूत दे दिया है व्हाइट और मैं साथ साथ लगते हैं, पर यहाँ पर मैं व्हाइट से थोड़ी सी दूरी बनाता हूँ, क्योंकि अगर इन दोनों में से एक बंदा ग्लूटोनी हुआ ना भाई तो वो मुझे आराम से खा सकता है। लेकिन ये कहीं पर्पल के बच्चे नहीं, बॉम्ब कैसा फेंका इस पर्पल के बच्चे को, शायद से इस बॉम्ब का असली नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर फटाफट करता हूँ सामान और यहाँ पर व्हाइट मेरे पास आता है और मैं व्हाइट को फटाफट किल कर देता हूँ। लेकिन ये क्या भाई, गेम खत्म क्यों नहीं हुई? अभी देखो यहाँ पर गेम तो खत्म नहीं हुई, तो मैं फटाफट बॉडी रिपोर्ट करता हूँ और मैं यहाँ पर बंदों के मजे लेने वाला हूँ। तो देखो यहाँ पर मैं क्या बोलता हूँ। हाँ भाई, तो ये बताओ कि ग्लूटोनी कौन है, फटाफट बताओ ग्लूटोनी कौन है, फटाफट बता दो भाई ग्लूटोनी कौन है। ठीक है, पिंक, पर्पल, पर्पल यार तुम इम्पोस्टर हो ना। पर्पल भाई यार पता है क्या बात ऐसी है ना, मुझे एक किल और करने का मन कर रहा है। ठीक है, मुझे एक किल और करने का मन कर रहा है, स्किप कर दो। ठीक है, मेरे पार्टनर स्किप करो। ठीक है, मुझे एक और किल करने का मन कर रहा है क्योंकि बिना किल के यहाँ पर मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, मुझे एक और किल करना है, सब स्किप करो। ठीक है, सारे बंदे स्किप कर दो। ठीक है,
भाई पिंक को करो, पिंक एम्प्रेस है, मेरे सामने व्हाइट जा रहा था, हम तीनों जा रहे थे पिंक और व्हाइट, तभी ये एम्प्रेस है इसने स्टन कर लिया और व्हाइट को मार के रिपोर्ट कर लिया, मैं देख नहीं पाऊँ। पिंक को आउट करो भाई, जीतना है तो देखो जोकर वाली हरकत कर रहा है, जोकर गेम में नहीं है, एम्प्रेस है ये, इसको निकालो। अच्छा हाँ भाई पिंक एम्प्रेस हो सकता है, भाई पिंक एम्प्रेस हो सकता है। फियान देख पिंक पे, पिंक पे, पिंक पे वोट कर फियान, पिंक पे वोट कर बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। अभी देखो यार इन बच्चों को पता नहीं होता है कि ये मेरा इलाका है और यहाँ पर पूरा कंट्रोल मेरा है, तो ये लोग मेरा मीटिंग में कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो फिर क्या यहाँ पर पढ़ते हैं। मुझे दो वोट और दो वोट स्किप हो चुके हैं, जिसमें से एक वोट मेरे पार्टनर ने स्किप करा है, सिंपल सी बात है। और यहाँ पर मैंने मीटिंग में ओपन बोला हुआ यार कि मुझे यहाँ पर एक और किल करने का मन कर रहा है, इसलिए अभी स्किप कर दो। लेकिन पता है कि अभी गेम में फैंटम जिंदा है, अगर इस फैंटम के बच्चे ने टास्क कर लिया ना तो भाई मेरी पूरी वाट लग जाएगी गेम की और भाई जीता हुआ मैच मेरे हाथ से चला जाएगा। तो फिलहाल मैंने यहाँ पर कैफे का गेट बंद करा हुआ, पर ये ब्लू का बच्चा ग्लूटोनी है क्या, क्योंकि हम दोनों तो इंपोस्टर है ठीक है, बच्चे भाई ये दो बंदे जिंदा है ठीक है, तो इनमें हो सकता है कि एक बंदा ग्लूटोनी हो, तो मुझे थोड़ा संभाल के खेलना पड़ेगा, वो ग्लूटोनी ने मुझे खा लिया ना भाई, तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अभी ये ब्लू का बच्चा ग्लूटोनी है क्या, अभी रिएक्टर का सपोर्ट अटैच होने के बावजूद ही मेरा पीछा क्यों कर रहा है। अभी ये फैंटम ने टास्क कर लिया, मैं यहाँ पर समन करता हूँ ताकि यहाँ पर ब्लू थोड़ा सा मुझसे पीछे चला जाए और मेरी इसी ट्रिक काम करती है और यहाँ पर ब्लू थोड़ा सा पीछे जाता है और ब्लू जैसे ही मुझे मिलता है मैं यहाँ पर ब्लू की खोपड़ी खोल देता हूँ, क्या कमाल की बात है। और इसी के साथ फाइनली हमारा इंप्रेस का गेम प्ले हो चुका है सक्सेसफुल और हमें मिल चुकी है MVP, जिसका सभी को इंतजार रहता है, क्या कमाल की बात है। तो इसी के साथ हमारे गेम प्ले हो चुकी है खत्म, हमें मिल चुकी है जीत। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आए तो वीडियो कर देना लाइक, तब तक हम आपसे मिलेंगे सुपर सस के रैंकिंग मैच के एक और धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना मेरे दोस्त। तो मैं सोच रहा हूँ जाने से पहले क्यों ना फटाफट रोल चेक कर ले जाए, क्योंकि बिना रोल चेक किए जाना इज नॉट गुड मेरे भाई। लेकिन एक सेकंड, ये ब्लू का बच्चा जो गेम के एंड में हमारा पीछे कर रहा था ये तो एजेंट निकला, मुझे लगा था शायद ग्लूटोनी है, पर ग्लूटोनी तो हमारा व्हाइट था, व्हाइट को तो मैंने यार अपर इंजन में पिछली मीटिंग में किल कर दिया था। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर यहाँ पर जो पर्पल है वो ब्राउन को नहीं निकालता तो ब्राउन हमारा व्हाइट जैक मुझे मीटिंग में गैस करके किल कर सकता था, पर पर्पल की बेवकूफी की वजह से व्हाइट जैक निकल जाता है और मैं गेम जीत जाता हूँ। और यहाँ पर अगर मैं पर्पल का रोल चेक करूँ तो पर्पल था हमारा डिटेक्टिव। तो अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखी है, जाने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूंगा थैंक्स फॉर वॉचिंग।